गुड मॉर्निंग बच्चों, आज बच्चों मैं आपको जो पाठ पढ़ा हुआ है उसका अभ्यास कराऊंगी जो एग्जाम में आएगा आपको, है ना। जिस प्रकार मैंने प्रश्न बनाए हैं इसी प्रकार आएंगे। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, लेकिन और दूसरे क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट करेक्ट आंसर इसके आगे लिखा हुआ है। तो जो आपका पाठ आने वाला है पाठ 8, 9, 10, उसी में से ये मैंने प्रश्न निकाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। प्रश्न क्या है, हाथी ने मेंढक को क्या कहा? ये आपने पाठ पढ़ा हुआ है। तो उसने सिर्फ जहरीला बोला था कि डरपोक बोला है, खतरनाक बोला है कि जहरीला और खतरनाक। इसमें से क्या उत्तर सही है? इसका उत्तर जहरीला और खतरनाक, ये करेक्ट आंसर है। वैसे जहरीला और खतरनाक भी लिखा हुआ है, लेकिन उसने दोनों शब्द बोले थे। हाथी ने जहरीला भी बोला था उसको और खतरनाक भी बोला था। तो करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर, इसमें हमें निशान लगाना है। इसी प्रकार दूसरा जो पाठ है हमारा, पाठ 9, भालू को जुकाम क्यों हो जाता था? ये पाठ पढ़ा हुआ है आपने, उसको हमेशा जुकाम हो जाता था। क्यों हो जाता था? गर्मी से नहीं, सर्दी से नहीं, बरसात से। हाँ, बरसात से, क्योंकि बारिश वहां होती थी तो बरसात से भीगने से उसको जुकाम हो जाता था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आएंगे जिसमें विकल्प दिए जाएंगे और आपको उसमें से करेक्ट, बिल्कुल जो सही हो वो ही उसी में आपको टिक करना है। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले मतलब मैं आपको यहाँ पे पर्यायवाची भी लिख सकती हूँ। पर्यायवाची और समान अर्थ वाले वर्ड शब्द जो है वो सेम है। जैसे बरसात, बरसात को हम क्या बारिश भी बोल सकते हैं। पांव, पांव का पैर बोलते हो, है ना। दोस्त, दोस्त मतलब मित्र। मतलब ये जो है, ये समान अर्थ वाले शब्द मैं लिख रही हूँ, इस शब्द के पर्यायवाची लिख रही हूँ। दोस्त का मित्र, घर का आलय लिखा मैंने, आप ग्रह भी लिख सकते हैं। तो समान अर्थ वाले बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द। अब इस प्रकार के तीसरा जो प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। मतलब विपरीत अर्थ मतलब हम इसको विलोम, जिसको आप अपोजिट वर्ड बोलते हो, है ना। इंग्लिश में इसको मैं एक विपरीत अर्थ वाले भी बोल सकती हूँ, इसको मैं विलोम शब्द भी बोल सकती हूँ। विलोम शब्द मतलब उल्टे। तो नया, नया का क्या हो गया बेटा, पुराना। रात का दिन, आसमान का धरती, सुबह का शाम। मतलब यहाँ जो शब्द दिए थे, जो मैंने शब्द दिए हैं, आपने उसके विपरीत अर्थ वाले, उसके विलोम शब्द आपने यहाँ पर लिखे। प्रश्न नंबर 4, जैसे निम्न के शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन मतलब मैंने जो नंबर आपको पढ़ाया हुआ है, नंबर सिंगुलर प्लूरल जो मैंने पढ़ाया था, तो मतलब एक वचन और बहुवचन। यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं वो एक वचन है, इसको हमें बहुवचन में बदलना। जैसे मैंने पहला शब्द लिखा है बात, बात का बहुवचन क्या हो गया, बाती। रात, राती। लड़की, लड़कियां। बोली, बोलियां। अच्छा, बहुवचन में एक बहुत जरूरी जो आप लोग गलती करते हो, अभी भी मुझे कुछ कुछ बच्चों ने जो कॉपीज भेजी है वहां पे मात्रा की गड़बड़ थी। आप जब भी हमारा वचन में बदलने का होता है, जैसे एक वचन से जब हम बहुवचन बदलते हैं, तो लड़की, लड़की में यहाँ कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी, बड़ी लड़की। लेकिन जब हम इसको बहुवचन में बदलते हैं तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाती है और या लग जाता है, चंद्र बिंदी आती है ऊपर ऐसे, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसे अब लड़की है, ये लड़की को ऐसे ही लिख के और आपने इसके आगे य लिख दिया है, ठीक है बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा को छोटी में बदलना है, तभी उसका बहुवचन सही शब्द होगा। बोली, यहाँ पे भी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देखो मैंने मात्रा बदली है, तो बोलियां।
अब अंत में आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब मैंने पूरा वाक्य लिखा है, पूरा शब्द लिखा है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द के लिए आपको सिंगल एक शब्द लिखना है। जैसे जिसका अंत ना हो, जिसका अंत नहीं हो सकता, उसको अनंत, इसका उत्तर हुआ अनंत। काम से जी चुराने वाला, जो काम नहीं करता जिसको बोलो काम कर रहे, तो काम से जी चुराने वाला तो वो होता है कामचोर। तो आज जो मैंने आपको समझाया है, इसी प्रकार आपके पास प्रश्न आएंगे बेटा, आपको ऐसे ही इसके उत्तर देने हैं और आपको इसके साथ विकल्प दिए जाएंगे, आपको उसमें से जो करेक्ट हो। जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया है, इसमें आपके पास चार विकल्प दिए हैं, इसी प्रकार सारे प्रश्न के लिए आपके पास विकल्प होंगे, आपको जो बिल्कुल करेक्ट हो उसमें आपको करेक्ट निशान लगाना है। आज का आपको बेटा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक यू।